हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति मेहंदी आर्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स जो है वो मिलती रहे। ओके बाय बाय। आज मैं आपको बहुत ही जल्दी बनने वाला मेहंदी का सांड ट्रिक के साथ में डिजाइन जो है वो बनाना सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कर्व्स ड्रॉ किए हैं। ये जो स्पाइरल के जैसे शेप रहते हैं ना, ये एक दूसरे के ऊपर लेफ्ट एंड राइट की डायरेक्शन में तिरछी लाइन मैंने यहाँ पर बनाई है। आप यहाँ पे बैक टू बैक ऊपर पूरे हाथ को भर के फ्रंट हैंड पे भी, बैक हैंड पे भी और पैरों पे भी इस डिजाइन को आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जो कर्व्स ड्रॉ किए हैं, इनके जो एंडिंग वाले पॉइंट्स हैं, यहाँ पर मैं लीव्स ऐड कर दूंगी। आप इस वीडियो में देखो कैसे मैं वेव करते हुए लीव्स जो है वो अंदर की तरफ में ऐड यहाँ पर कर रही हूँ। आप इसकी जगह लोटस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से ये पूरा जो पैटर्न है वो पूरा बेस जो है वो मैंने पूरा क्रिएट कर लिया, जैसे आप इसमें देख रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर ये जो कर्व्स मैंने ड्रॉ किए हैं ना, इनके सेंटर में देखो जहाँ पर मैं ये बना रही हूँ ना स्पाइरल, यहाँ पे ही आपको स्पाइरल बनाना है। एंड जो बोल्ड फ्लावर होता है ना, जो बिल्कुल बेसिक फ्लावर रहता है, वो यहाँ पे हमने यूज करना है। तो आप देखो स्पाइरल करके उसके ऊपर मैं फोर पेटल्स जो हैं वो कर्व्स में बना रही हूँ। बट ध्यान रखना है कि ये जो पेटल्स हैं वो एक दूसरे में चिपकनी नहीं चाहिए, तभी ये आपका और सुंदर दिखेगा। पूरा ऊपर तक बैक टू बैक आपको यही बनाते हुए जाना है। और अगर आप भी बहुत आसान ट्रिक्स एंड टेक्निक के साथ में मेहंदी लगाना सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारा बेसिक टू एडवांस कोर्स, जो कि कल से ही स्टार्ट हो रहा है। आज उसका लास्ट डे है उस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का। क्लासेस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही होने वाली हैं। ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो दिल्ली में रहेंगी और ऑनलाइन क्लासेस जो है वो जूम मीटिंग ऐप पर होगी। फुल डिटेल जानने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, सारी डिटेल्स ले सकते हैं। और यहाँ पर अभी देखो पूरा ऊपर तक जो है वो मैं डिजाइनिंग कंप्लीट कर चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पे साइड में कॉर्नर में और थोड़ा सा बचा है। आप इस फ्लावर को और बड़ा भी कर सकते हैं ताकि और बोल्ड लुक आए, बट इसको मैंने इतना छोटा रखा है। एंड अभी जो है ना ये पेटल्स जो हमने क्रिएट कर रही थी, इनको मैं करूंगी अच्छे से थिक फिल। फिलिंग का ध्यान रखना है आपको, पूरा फिल करना है, अनइवन नहीं करना है, नहीं तो स्टेन का प्रॉब्लम होगा। तो ये यहाँ पर मैं ऐसे कर रही हूँ। आप इनकी जगह जो है कोई शेडिंग फ्लावर्स अगर आपको चाहिए आप वो भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको जहाँ पर ये दो स्पाइरल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कट में जा रहे हैं, आप वहाँ पे बीच में भी फ्लावर्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ और भी मतलब कि अलग अलग चीजें आप कर सकते हो। ओके, तो ये पूरा मैंने एक पूरा बेस जो है वो अभी बना लिया और देखो ये कितना सुंदर लग रहा है, सिंपल इजी स्टेप्स में है। और अभी ये जो हमने फ्लावर्स क्रिएट किए थे, यहाँ सर मैं थ्री थ्री लीव्स का जो सेट है वो बाहर की तरफ निकालते हुए जाऊंगी। आप यहाँ पर फाइव लीव्स का भी यूज कर सकते हैं या फिर लेंथ में ऊपर की अपर की डायरेक्शन में अगर आपको लीव्स ऐड करनी है आप वो भी कर सकते हैं। तो ये सब आपके ऊपर है कि आपको और क्या करना है। आप चाहें तो यहाँ पे थ्री फ्लावर्स का जो बंच है वो भी क्रिएट कर सकते हो, देन उसके बाद आप लीव्स क्रिएट कर सकते हो, तो और हैवी लुक ये आपकी डिजाइनिंग को देगा। तो देखो कितना सिंपल तरीका है, आप इस तरीके से डिजाइनिंग करोगे तो बहुत अच्छे से आप मतलब कि जिन लोगों को थोड़ा जल्दी से लगने वाला डिजाइन पसंद है आप उनको ये चीज लगा सकते हैं। करवा चौथ हो गया, ईद हो गया, पैरों पर लगानी है, बहुत सिंपल सा ये बेसिक सा डिजाइन है। आप और किस तरीके की डिजाइनिंग मेरे यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं कॉमेंट्स करके यहाँ पे जरूर बताना। और ये डिजाइन आपको कैसा लगा ये भी बताना। एंड ये देखो पूरा एंडिंग तक अभी हम पहुंच गए हैं। लीव जो मैं बना रही हूँ ना, ये चीज का ध्यान रखना है, अलग अलग डायरेक्शंस में पूरा एक एक कॉर्नर जो है वो कवर करना है। और ये हमारा डिजाइन हो गया है बनके रेडी। और अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।